नमस्कार दोस्तों, 52वें एपिसोड में आपका स्वागत है। श्री कन्हैया थावरदास बाटवा, पूज्य स्वामी लीलाशाह महाराज जी यहाँ बाटवा में लोअर सिंध पंचायत के सम्मेलन में 23 सितंबर 1962 को आए थे। स्वर्गवासी दादा भोजराज मल पी केसवानी स्वामी जी के कार्य हेतु उपलेटा गए हुए थे, अतः सेवा का कार्य मुझे सौंपा गया। स्वामी जी की आज्ञा अनुसार रात्रि को कुछ धार्मिक पुस्तक पढ़कर सुना रहा था, तब वहां उपस्थित बच्चू भाई रबाड़ी को स्वामी जी ने कहा, कभी पढ़ने के समय कनू ने तुम्हें चाटा मारा था। बेचारा बच्चू भाई सोच में पड़ गया, क्योंकि वह मुझे पुराने नाम गागन के नाम से जानता था। स्वामी जी ने मेरी ओर इशारा करते हुए कहा कि यह है कनू। बच्चू भाई ने कहा कि इसका नाम तो गागन है। इस पर स्वामी जी बोले, आज से इसका नाम कनू रखते हैं, क्योंकि यह भी कृष्ण की भांति नटखट व सांवला है। उस रात करीब 10 बजे स्वामी जी ने कहा, सब सोने की व्यवस्था करो, परंतु हमें नींद नहीं आई, क्योंकि जिस कमरे में पूज्य स्वामी जी के ठहरने की व्यवस्था की गई थी वह काफी समय से बंद था। इस कारण वहां मच्छरों ने अपना डेरा जमा रखा था। सफाई तो अच्छी तरह की गई थी, परंतु मच्छर भागने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बच्चू भाई तथा मैं मच्छरों के काटने से दुखी होकर आपस में बातें कर रहे थे। इस पर स्वामी जी बोले, आप दोनों को नींद नहीं आ रही है क्या, जो बातें कर रहे हो? बच्चू भाई ने कहा, बाबा मच्छर काट रहे हैं, नींद नहीं आ रही है। स्वामी जी बोले, बेटे मच्छर तो और भी अच्छे हैं, क्योंकि ईश्वर वचन करने में साथ देते हैं, ये तो जिज्ञासुओं के मददगार मित्र हैं। इस पर बच्चू भाई कहने लगा कि बाबा, मैं बाटवा नगर पंचायत का एक सेवक हूँ, प्रातः 5 बजे जानवरों को पानी और चारा आदि देता हूँ। यदि ठीक ढंग से नहीं सोया तो शरीर में सुस्ती आ जाएगी तथा काम करने में भी मन नहीं लगेगा। आप प्रभु स्वरूप हैं, कृपा करें मच्छरों को इस कमरे से बाहर निकाल दें, जैसे नींद आ सके। उस समय पूज्य स्वामी जी ने बच्चू भाई के निवेदन को स्वीकार करते हुए मच्छरों से कहा कि यहाँ से चले जाओ, कनू भाई व बच्चू भाई को सोने दो। उनने सिर्फ इतना ही कहा था कि मच्छर कमरे से चले गए तथा हम आराम से सो गए। प्रातः 5 बजे हम दोनों को स्वामी जी ने जगाया। बच्चू भाई काम पर चला गया तथा मैं मैट्रिक परीक्षा की तैयारी हेतु अंग्रेजी पुस्तक का अभ्यास करने लगा। सम्मेलन पूर्ण होने के बाद भी स्वामी जी 2-3 दिन वहीं थे, परंतु कहीं भी मच्छर दिखाई नहीं दिए। फिर स्वामी जी जेतपुर जाने के लिए तैयारी करने लगे। मैं हमेशा की भांति मैट्रिक परीक्षा की पढ़ाई कर रहा था तो पूज्य स्वामी जी ने पूछा, बेटे कनू तुम रोज क्या पढ़ते हो? मैंने कहा, बाबा 18 अक्टूबर सोमवार को मैट्रिक की परीक्षा है, उसकी तैयारी कर रहा हूँ। उस समय अंग्रेजी का अध्ययन कर रहा था तो मुझसे कहा कि बेटे पढ़कर सुनाओ कि अंग्रेजी में क्या क्या पाठ पढ़ाते हैं। मैं खुश हो गया, निवेदन कर कहा कि बाबा अंग्रेजी बताऊं कि अनुवाद करके सिंधी में बताऊं? स्वामी जी ने कहा, बेटे सिंधी में ही बता दो। मैंने स्वामी जी को 10 पाठ पढ़कर सुनाए तो कहने लगे, अंग्रेजी में अच्छी बातें समझाते हैं, अब जंगल में जाने का समय हो गया है, मैं जा रहा हूँ, ईश्वर सब अच्छा करेंगे। हुआ भी ऐसा ही कि परीक्षा में प्रश्न भी उन 10 पाठ में से आए तथा मैं परीक्षा 52% अंकों से पास हो गया। धन्यवाद मित्रों।